आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक बार फिर से हमीदिया का नवजात शिशु वार्ड शुरू होने जा रहा है। वार्ड में रेनोवेशन का काम 80% पूरा हो चुका है। बिस्तर और उपकरण लगाने का काम वार्ड में बाकी है। बामर, वेंटिलेटर, मल्टी पैरानोमीटर और ऑक्सीजन के पॉइंट लगना अभी बाकी है। 2 दिन से 70 लोग दिन रात काम में लगे हुए हैं। हमीदिया का नवजात शिशु वार्ड फिर शुरू होगा। वार्ड में रेनोवेशन का काम 80% पूरा हो चुका है। 2 दिन से लगातार काम जारी है। 70 लोग दिन रात जुटकर काम में लगे हुए हैं। और किस तरह से काम किया जा रहा है जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, कमला नेहरू अस्पताल में जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, जनहानि के साथ साथ व्यवस्थाओं में भी कई गड़बड़ियां हुई और जिस तरह से सुधारने का काम किया जा रहा है, रेनोवेशन का काम लगातार जारी, 80% काम पूरा हो चुका है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ स्थिति है? आप देखिए, रेनोवेशन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जिस तरीके से अगर पूरी बात की जाए, लगातार जिस तरीके से सरकार की कोशिशें थी कि एसएनसीयू का जो वार्ड है उसको एक बार फिर से जल्द शुरू किया जा सके, तो उसकी तरफ अब जो कार्यक्रम है वो बढ़ चला है और जिस तरीके से रेनोवेशन का काम लगभग 80% पूरा कर लिया गया है। कुछ काम थोड़ा सा बाकी है और जिस तरीके से अगर बिस्तर की बात करें या फिर हम इसकी बात करें कि जो उपकरण लगाए जाने हैं तो वो केवल बाकी रह गए हैं। साथ ही साथ वार्मर की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, जिस तरीके से मल्टी पैरामोनिटर की बात करें, तो तमाम सारे जो उपकरण है अभी वो लगाए जाने बाकी है और उनको लगाने का काम आज दिन भर में कर लिया जाएगा। हालांकि अभी कोशिश ये की जा रही है कि आज से इसको शुरू जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी इसमें बच्चों को रखने का काम जो है वो कल से ही शुरू होगा, ताकि क्योंकि जब एक बार पूरा काम हो जाएगा, एसी लग जाएंगे, पंखे लग जाएंगे या तमाम सारी जो बिजली की व्यवस्था है वो हो जाएगी, उसके बाद उसको एक बार चेक किया जाएगा, उसके किसी प्रकार से कोई शॉर्ट सर्किट तो कहीं होने की स्थिति में नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है जिसकी वजह से दोबारा से ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति हो जाए, तो उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी जो वहां पर एक्सपर्ट्स होंगे वो जाकर वहां पर इस बात का रियलिटी चेक करेंगे कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था गड़बड़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से एक बार फिर से ऐसी घटना अगर सामने आती है तो काफी छवि जो है वो सरकार की भी धूमिल होगी और प्रबंधन की भी धूमिल होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तैयारियां आज जरूर पूरी कर ली जाएंगी लेकिन कल से इसको शुरू जरूर कर दिया जाएगा। हालांकि पहला रियलिटी चेक होगा इसका, अधिकारी यहाँ पर शाम को पहुंचेंगे और इस बात को समझेंगे कि किसी प्रकार से कोई कमी तो नहीं रह गई है या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी व्यवस्थाओं को पहले चेक किया जाएगा और उसके बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल दुष्यंत, आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो एक बार फिर से हमीदिया का नवजात शिशु वार्ड शुरू होगा, रेनोवेशन का काम लगातार जारी।